कोरोना के बाद में जो दारू की दुकान खुली थी तो एक दिन में 45 करोड़ रुपए की दारू बिकी थी। वो मजदूर का ही तो पैसा था, वो जब दारू पीने के लिए पैसा आ सकता है, लेकिन हमने खाने के लिए पैसा क्यों नहीं आया मजदूर के पास में? छोटे फैमिली के लिए 200 यूनिट बहुत है। ये मसला नहीं कि हर बंदा गरीब हो, नहीं मसला कि हर बंदा केजरीवाल अगर 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है तो वो अपनी जेब से थोड़ी कर रहा है, वो तो जनता को लूट रहा है, जनता को मतलब कुछ दे रहा है, कुछ खा रहा है, जनता को आपसे मिल रहा है ना वो? क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। सौगात सौगात, हमारे देश के मंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में गए थे तो मान लो क्या कह रहे थे, 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ जाओ 100 करोड़ दिया, कहाँ गया? यहाँ मान लो क्या 20 लाख हजार करोड़ किसके पास आ गया? 7 लाख हजार करोड़। अभी माननीय मुख्यमंत्री कह रहे 1 लाख हजार करोड़। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जाते नहीं है, सौगात दे के नहीं आते हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार सही चल रहा है या उथल पुथल हो रहा है? अरे जरा सी भी सही नहीं लग रही, शुरू से लेके अभी तक सही नहीं लग रही मुझे तो। क्यों नहीं लग रहा सही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई, तुम भी तो इंसान ही हो, आपको भी दिख रहा होगा कि क्यों नहीं चल रही। नहीं, मैं तो आप ही का राय लेने आया हूँ, इस सरकार में कुछ समस्या दिखा या फिर सरकार सही चल रही है, बताइए? जरा सी भी सही नहीं चल रही मुझे तो, इतनी पता है। तो क्या इससे पहले वाली सरकार सही थी? तो मुझे बताइए कि इससे पहले वाली सरकार ने क्या सही किया और ये वाली सरकार ने क्या सही नहीं कर रहा, बताइए? ये वाली सरकार ने कुछ भी सही नहीं करा पहले वाली। क्या नहीं किया वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए तो जरा। पहले वाली सरकार जो थी अपना चुप थी, सही थी, अपना आराम से थे, सब पूरा देश आराम से चल रहा था। तो ये सरकार में क्या आराम नहीं कराया उन्होंने, ये बताओ? अरे क्यों, जब सब आराम से रह रहे तो आराम करवाने की जरूरत ही क्या है? ये जरूरत कोरोना बताती जाने क्या क्या बीमारी। तो कोरोना थोड़ी है ना योगी जी लाए है, कोरोना थोड़े ना योगी जी लाए। वैसे तो सही नहीं है ये वाली सरकार। अरे वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये कह रहे सरकार सही नहीं है। वो सही कह रहे, गलत क्या कह रहे भाई? सौगात सौगात, हमारे देश के मंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में गए थे तो मान लो क्या कह रहे थे, 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़ जाओ 100 करोड़ दिया, कहाँ गया? यहाँ मान लो क्या 20 लाख हजार करोड़ किसके पास आ गया? 7 लाख हजार करोड़। अभी माननीय मुख्यमंत्री कह रहे 1 लाख हजार करोड़। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जाते नहीं है, सौगात दे के नहीं आते हैं। वो सौगात कहाँ है? अच्छा, ये माननीय अखिलेश जी की देन है जो बच्चों पे आज लैपटॉप है। ये माननीय अखिलेश जी की देन है जो कालू यादव गए थे उनके पास, जो आज खोड़ा नगर पालिका है। ये खोड़ा थाना अखिलेश यादव देन है, ये सुरक्षा व्यवस्था 100 नंबर अखिलेश यादव देन है, ये एम्बुलेंस अखिलेश यादव देन है। ये पोस्टर नहीं लगवाते अखिलेश यादव, विकास करते हैं विकास, कितने स्कूल ये बनवाया कोर्ट ने। राम मंदिर के लिए क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इससे पहले, ये बताइए आप? किसने, कौन सा ये राम मंदिर का ऑब्जेक्शन कितने साल से चल रहा है ये बताइए आप? यहाँ मस्जिद बने, क्यों मस्जिद बने, राम मंदिर क्यों नहीं बना आज तक? जो बीजेपी सरकार बन रहा है राम मंदिर, ये बताइए। NCR 370 क्यों हटी वहाँ से, कश्मीर से आज से पहले क्यों नहीं हटी थी 370, ये बताइए आप? आप बताइए 370 क्यों नहीं हटी थी? क्या राम मंदिर, राम मंदिर क्यों नहीं बना था सबसे पहले? चलिए राम मंदिर बन गया। हाँ तो और बात करते हैं, इस सरकार ने और क्या विकास का काम तरक्की हुई है खूब, ये खोड़ा में क्या नहीं हुआ आज तक बताओ? क्या रोड बनी है? मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या तरक्की हुई है, बताइए। खोड़ा में देखो नाले खूब बने, सड़कें खूब बनी है, क्या चीज रहेगी? पहले कितने कमाता था, अब कितने कमाता है? फिर महंगाई तो बढ़नी है, जनसंख्या बढ़नी है, सीधी सी बात है। तो क्या महंगाई बढ़ने से असर पड़ा? हम पे तो कोई असर नहीं पड़ा। क्यों, आप क्या करते हो? हम एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। तो कितना कमाते हैं कि आपको असर ही नहीं पड़ा? हम पे 10-12 हजार रुपए कम जाते हैं, मैं खूब पता है 3500 रुपए का रूम है यहाँ पे। तो आप ढाल चुके हैं, तो आप अपने आप को ढाल चुके हैं। और क्या, सरकार रहेगी बीजेपी के, हमें 12000 आना है, हमें इतने में ही काम करना, आगे नहीं बढ़ना है? आगे बढ़ेंगे कैसे नहीं, सरकार जैसे आगे आएगी तो आगे भी काम। आपने बोला कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है महंगाई से, क्यों फिर यार महंगाई यहाँ की देख लो और विदेशों की देख लो, हर जगह महंगाई है। हम विदेश में नहीं रह रहे, हम रह रहे हैं यूपी में, तो हम यूपी का ही बात करें ज्यादा बेटर होगा। महंगाई कुछ नहीं आपके लिए? महंगाई जितनी है इतनी ठीक है। आपको क्या महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो हर आदमी के ऊपर मतलब जो है
सबको बराबर ही बराबर। महंगाई महंगाई कुछ नहीं होती, महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ी तो है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन मतलब क्या है जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि बढ़ने का बदले महंगाई कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, महंगाई क्यों नहीं है, महंगाई का मतलब असर सब सब जनता पे पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना के समय में काफी लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ तक कि खाने का भी आफत आ गई थी, तो उस समय तो पता चला होगा ना वाकई में महंगाई नाम की भी कोई चीज होती है। ये सब चीजें आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, एक छोटा सा राज्य केरल राज्य छोटा सा है ना, जब नोट इसके कोरोना के बाद में जो दारू की दुकान खुली थी तब एक दिन में 45 करोड़ रुपए की दारू बिकी थी, वो मजदूर का ही तो पैसा था, वो जब दारू पीने के लिए पैसा आ सकता है लेकिन हमने खाने के लिए पैसा क्यों नहीं आया मजदूर के पास में, जबकि खूब बटाया पैसा। 1.5 साल कोरोना रहा, लोगों की काम चली गई, लोगों की काम चली गई, कि जाहिर सी बात है कि जो घर में गड़ा हुआ घास है वही खाए, जिनके परिवार है स्कूल फीस भी माफ नहीं किया गया, तो कैसे कोई सर्वाइव करेगा। फिर वही बात कर रहे हो आप, ये पब्लिक दारू पी रही है इसके लिए पैसा कहाँ से है गरीब के पास में, ये बताइए आप, या अमीर के पास में पैसा कहाँ से है दारू पीने के लिए। दुकान बंद पड़ी है, ठेका क्यों खुला है, कोरोना में हर दुकान बंद थी, ठेका क्यों खुलवाया है, सरकार ने ठेका क्यों खुलवाया, ये कह रहे सरकार ने ठेका क्यों खुलवाया। फिर बात करो यार, थोड़ा की कोई बात ही नहीं कर रहा, घोड़ा में कैसे जनता रह रहे कहीं कैसे की बात कर लो भाई, कर रही उसका तो देखो ना भैया, घोड़ा की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, पानी के लिए एक एक बूंद के लिए आदमी तरस रहा है, बोरिंग मतलब बोरिंग करने नहीं देते, अगर बोरिंग करने जाओ तो पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, नगर पालिका वाले पैसे मांगते हैं, और पीने को पानी है नहीं, हमारे यहाँ मतलब जो है 15 दिन से पानी मतलब जो है आरओ का ले लेकर 10-10 रुपए की बोतल पी रहे हैं। और यहाँ बिजली का क्या, जो जो भी समस्या आप हमें बताइए। सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी नहीं आता फिर गंदा पानी, नहीं नहीं पानी है ही नहीं, मतलब सप्लाई नहीं है पानी की, पानी की सप्लाई नहीं है, जनता मर रही है, प्यासों मर रही है, गलियों में इतनी गंदगी पड़ी है क्या बताएं भैया। इस पर अगर सरकार अगर ध्यान दे तो खोड़ा का वोट उसे मिलेगा, कोई भी सरकार हो कोई भी पार्टी हो, अगर खोड़ा की समस्या का समाधान नहीं होगा। अब तो चुनाव नजदीक आ गया, अब क्या लग रहा है आपको? मुझे तो यही लग रहा है कि भाई कोई भी पार्टी हो हमारे खोड़ा की जो जनता है उसका समाधान करे, सीधी बात। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ बताइए, आपको क्या लग रहा है भाई इस बार चुनाव में? मैं दिल्ली से हूँ और मैं अरविंद केजरीवाल के काम से बहुत खुश हूँ। मसला ये नहीं है कि नहीं 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 यार, हमें मान लो हम लोग लो कैटेगरी के लोग हैं, हमारे 200 यूनिट बहुत काम की चीज है। अच्छा, आप पार्टी भी आ रही है यूपी में इस बार, कह रही कि 300 बिजली बिल यूनिट फ्री, वो तो यार देखो क्या घोषणा कर रही है वो तो बाद में डिपेंड करता है। मैं भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में केजरीवाल आए, ना मैं ये कह रहा कि दिल्ली में बीजेपी आए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, छोटे फैमिली के लिए 200 यूनिट बहुत है, छोटे फैमिली के लिए 200 यूनिट बहुत है, ये मसला नहीं कि हर बंदा गरीब हो, नहीं मसला कि हर बंदा केजरीवाल अगर 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है तो वो अपने जेब से थोड़ी कर रहा है, वो तो जनता को लूट रहा है, जनता को मतलब जो है कुछ दे रहा है कुछ खा रहा है, जनता को आपसे मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। अभी तो कह रहे यार हॉस्पिटल देख लो, अगर वो 2 करोड़ अभी थोड़ी देर आराम से एक कर आराम से नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि पानी लेने दिल्ली जाते हैं, तो इससे यार एग्जांपल और क्या चाहिए, इससे ज्यादा एग्जांपल क्या चाहिए, अपने मुंह से अभी किसी ने भाई ने बोला कि पानी लेने हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली कहाँ, दिल्ली यार अभी तो बोला आपके सामने, दिल्ली से क्या मतलब है, हम बात करते हैं सिर्फ यूपी के बारे में फिलहाल। चलो यूपी में जो भी है वो इलेक्शन का टाइम बताएगा, कोई भी हो चाहे बीजेपी हो या, अरे इलेक्शन के टाइम में तो आप बताइएगा ना, 4.5 साल ऐसे भी ज्यादा हो गया, उनके कार्य के अनुसार ही तो आप कीजिएगा, या फिर ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट देना कैंडिडेट कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसे मान लो जो हमारी विधानसभा से है जो जिसने जैसा काम करा है वैसा वोट मिलेगा। अच्छा, इस बार प्रियंका भी आ रही चुनाव में, तो क्या लग रहा है असर पड़ने वाला है इस बार अखिलेश यादव पे? भाई असर के लिए तो बता रहे हैं, हम तो अपनी समस्या जानते हैं। अच्छा, अपनी समस्या बताइए। खोड़ा के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने के पानी की। अच्छा, ये जो समस्या एक और भाई साहब बता रहे थे, तो आपने कंप्लेन करा इस चीज को? अब कंप्लेन क्या, अब बोरिंग कराए उसके लिए हर जगह दिक्कत, बोरिंग में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर 6-7 लाख रुपए लगाए भी और उसमें पानी नहीं आया फिर भी दूसरी बोरिंग कराओ।
घोड़ा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, वाटर सप्लाई की लाइन आनी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को सप्लाई का पानी की। तो आप पूरा डिटेल्स बताइए कहाँ पे रहते, कहाँ पे पानी का समस्या, कहाँ से कहाँ तक घोड़ा के अंदर ही समस्या। अच्छा, ये पूरे घोड़ा के अंदर ही पानी का समस्या आ रहा है और आपने कंप्लेन भी करा? मैंने कई बार कंप्लेन करी, नगर पालिका में भी कंप्लेन करी, लेकिन अभी तक वो क्या नाम अपने रीना भाटी है उन तक हम लोग गए और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब पानी के लिए मतलब पूरी जनता, खाली हम ही नहीं पूरी खोड़ा की जनता परेशान है। तो कहीं ना कहीं आप काफी परेशान भी हैं? बहुत परेशान। इस बार चुनाव में आप किस ओर जा रहे हैं? देखो, हम तो उस ओर जाएंगे जो हमारा खोड़ा का विकास कराएगा, सीधी बात, जो खोड़ा का विकास कराएगा उसको वोट देंगे।